देखो ये वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, तो हम क्या करते थे यार, संगीत कला एक भाषा पढ़ने थे हम लोग, तो देखो ड्रेसिंग स्टोन के ऊपर समांतर चिन्ह बना दिए जाते हैं। देखना ये बहुत सारे चीजें हमारी स्टोन हो गई, तो इसके ऊपर क्या हम लोग समांतर चिन्ह बना देते हैं, और समांतर चिन्ह बनाने के साथ में ये चिन्ह है ना, जो ये चिन्ह है ये इतने पास होते हैं जिससे सतह है ना किसी प्लेन सतह से समतल सतह दिखाई देती है। जैसे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट हो जा डिफरेंट औजारों का उपयोग करके डिफरेंट ड्रेसिंग भी बनाई जा सकती है। डिफरेंट औजारों का उपयोग करके हम लोग डिफरेंट ड्रेसिंग भी बना सकते हैं, इसमें संगीन कढ़ाई में, ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि इस प्रकार की कढ़ाई में हमेशा, अगर मैं इस प्रकार की ड्रेसिंग की बात करूं, इस प्रकार की ड्रेसिंग में बात करूं, तो ये पत्थर होते हैं हमारे, पत्थरों को मशीन के द्वारा ही काटा जाता है, और इस प्रकार की ड्रेसिंग में हमेशा पत्थरों को मशीन के द्वारा ही काटा जाता है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्थर चिनाई स्टोन मेसोनरी, पत्थर चिनाई जिसको कहेंगे हम लोग क्या, स्टोन मेसोनरी, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं पत्थर चिनाई या फिर स्टोन मेसनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो भैया पत्थर चिनाई स्टोन मेसनरी स्थिति क्या है, चलो आगे देखा जाए, ध्यान देना। जैसा हम ब्रिक मेसनरी पढ़े थे ना, तो वैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, स्टोन मेसनरी। तो सबसे पहले भैया पहला पॉइंट ये कहता है कि जो पत्थर होता है ना स्टोन एक ही प्रकार के नहीं हो सकते या नहीं होते। उदाहरण के अगर बात करूं मैं तो साइज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आकार के आधार पर या फिर भार के आधार पर। यहां पर ले सकते हैं अपन लोग आकार के आधार पर, और यहां पर ले सकते हैं भार के आधार पर, ठीक है। स्टोन एक ही प्रकार के नहीं हो सकते हैं, चाहे साइज के आधार पर या फिर भार के आधार पर, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या करते हैं हम लोग, अगर पत्थर अगर ज्यादा बड़े हो गए तो ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, हमको ऊपर उठाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा,
ऊपर उठाने के लिए क्या ज्यादा कार्य करना पड़ता है, ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर उठाने के लिए हमको ज्यादा कार्य करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं भैया ऊपर की तरफ जॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कैसे देखो ये हो गए हमारे यहाँ बड़े पत्थर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक छोटा पत्थर हमारे ये हो गया, दूसरा छोटा पत्थर हमारा यहाँ से आगे हो गया, है ना। तो इस तरह छोटे छोटे पत्थरों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी भारी पत्थरों को नीचे की साइड में, छोटे पत्थरों को ऊपर के साइड में हम इसको जोड़ा है या जॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है हम लोगों को पत्थरों को हमेशा स्टोन को हमेशा प्राकृतिक या फिर इसको बोल सकते प्राकृतिक तल या फिर नेचुरल बेड पर ही रखना चाहिए, बेड पर ही रखना चाहिए, जिससे बेड अपना भार को सहन कर सके। ठीक है, कन्फर्म यहां तक, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला लेक्चर यहीं से हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, आगे का लेक्चर हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे।